नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद शाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक और घरेलू नुस्खे के बारे में जानकारी देंगे। जिन लोगों को बाथरूम रुक रुक के आता है, जिनके हाथ पैरों में स्वेलिंग रहती है यानी शरीर सूजा हुआ रहता है गलत दवाई खाने के कारण, या आपके यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, या आपके पथरी की समस्या है गुर्दे में, तो आपको आज हम जो घरेलू नुस्खा बताएंगे उसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है, सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपको लेना है जो मक्का होती है, जो भुट्टा बोलते हैं जिसे, उसके बाल आते हैं, उन बालों को आपको इस्तेमाल करना है। और वो किस प्रकार से दवाई के रूप में आप उसे तैयार कर सकते हैं हम आपको बताते हैं आज। आप ये देख रहे हैं, ये हैं वो भुट्टे के बाल जिसे आप कॉर्न सिल्क के नाम से भी जानते हैं। इसी का इस्तेमाल करना है और इसका काढ़ा बनाना है। काढ़ा बनाने के लिए आपको क्या करना है, कम से कम 25 ग्राम की क्वांटिटी में आपको ये बाल लेने हैं जो भुट्टे के हैं, और 250 ग्राम पानी में डालकर अच्छी तरह से उबालना है। जब पानी आपका 80 ग्राम से लेके 100 ग्राम की क्वांटिटी में रह जाए तो आप इसे उतार लीजिए और छान लीजिए अच्छी तरह से। छानने के बाद जब ये हल्का गुनगुना रहे तो आपको ये सुबह और शाम दो टाइम पीना है, और ये खाली पेट पिया जाता है। आप ये देख रहे हैं, जब आपका काढ़ा बन के तैयार हो जाता है तो आपका काढ़ा कम से कम 80 ग्राम से लेके 100 ग्राम की क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है। और उसका कलर भी आप देख रहे हैं, इस तरह का कलर आपको जो है देखने को मिलेगा जब आपकी दवाई तैयार हो जाएगी। खाली पेट सुबह को और ऐसे ही शाम को आधा घंटा या एक घंटा पहले आपको दो टाइम लेना है। तो जितने किडनी से संबंधित आपके रोग हैं वो सारे ठीक हो जाएंगे। जो किडनी की सफाई के लिए अपने इस काढ़े का उपयोग करता है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। यूरिक एसिड, शरीर में सूजन, पथरी की समस्या, जिनको बाथरूम नहीं आता है, बूंद बूंद करके आता है, रुक रुक के आता है, तो इस काढ़े का उपयोग करके आप अपने इन सारे रोगों को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इससे संबंधित एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको। जब आप पंचकर्मा कराने के लिए जाते हैं, शरीर की शुद्धि कराने के लिए जाते हैं, तो 50,000 60,000 रुपये का पैकेज बना दिया जाता है। और इसी काढ़े का उपयोग करके आपके गुर्दे को बिल्कुल एकदम फिल्टर कर दिया जाता है, किडनी को, जिससे आपके शरीर के सभी प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। इसीलिए इस काढ़े के बारे में आपको बताना बहुत ज़्यादा जरूरी था। आपके घर में किसी भी व्यक्ति को अगर किडनी से संबंधित कोई भी रोग है तो आप इस काढ़े का उपयोग करके अपने घर के हर व्यक्ति के रोग को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं, कुछ ऐसे केस हैं जिनको किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बोला गया था, लेकिन इस काढ़े का उपयोग करके उनकी जो है किडनी को पूर्ण रूप से ठीक करने का काम इस काढ़े ने किया है। आप जब भी इस काढ़े का उपयोग करते हैं तो कुछ परहेज पे आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपको खटाई नहीं लेनी है, अचार नहीं खाना है, तली भुनी चीज़ नहीं लेनी है, किसी प्रकार का नशा नहीं करना है। तो इन चीज़ों से आपको पूरी तरह से दवाई के साथ ही परहेज का भी ध्यान रखना है। दोस्तों, हमने पुरुषों के लिए एक विशेष वीडियो बनाई है, अगर आपने आज तक ये नहीं देखी है तो इसे देखना ना भूलें। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। अगला वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आयुर्वेद शाला है आयुर्वेद की पाठशाला। नमस्कार।